दोस्तों, हार्ट के रोगियों को खून पतला करने की दवा का सेवन करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दवा के भी काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं? अगर नहीं पता तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको खून पतला करने वाली दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में ही बताने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको दिल और रक्त वाहिका रोग या फिर दिमाग तक रक्त संचार सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो चिकित्सक आपको सलाह देंगे कि आप अपने खून को पतला करने की कोशिश करें। पतला रक्त दिल के दौरे की संभावना को कम करता है, क्योंकि इसकी वजह से रक्त वाहिनियों और धमनियों में खून के थक्के नहीं जमते। लेकिन अगर आपका रक्त पतला हो चुका है तो इसके कारण ब्लीडिंग की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए जरूरी है कि कुछ सावधानियां जरूर बरती जाएं। अगर आपको दिल और रक्त वाहिका रोग या फिर दिमाग तक रक्त संचार सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो चिकित्सक आपको सलाह देंगे कि आप अपने खून को पतला करने की कोशिश करें। पतला रक्त दिल के दौरे की संभावना को कम करता है, क्योंकि इसकी वजह से रक्त वाहिनियों और धमनियों में खून के थक्के नहीं जमते। लेकिन अगर आपका रक्त पतला हो चुका है तो इसके कारण ब्लीडिंग की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए जरूरी है कुछ सावधानियां बरतें। खून को पतला करने वाली दवाइयों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है कि इसके कारण कभी भी ब्लीडिंग या रक्त स्त्राव हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को खून को पतला करने वाली दवाओं का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप खून पतला करने की दवा ले रहे हैं तो इसके कारण उल्टी, सीने में दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया, त्वचा में चकत्ते पड़ना आदि समस्या हो सकती है। खून को पतला करने वाली दवा अगर आप ले रहे हैं तो उसे चिकित्सक के निर्देशानुसार ही लें। अगर आप एक दिन दवा लेना भूल गए हैं तो अगले दिन दो गोलियों का सेवन ना करें। इसकी एक गोली दिन में एक ही बार खाएं, दो बार बिल्कुल ना खाएं। हालांकि चिकित्सक इसकी दवा के लिए आपको अन्य निर्देश भी देंगे, उनका भी कड़ाई से पालन करें, कोई लापरवाही कतई ना बरतें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही और भी ऐसी ही स्वास्थ्य वर्धक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।